जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है, लेकिन अगर किसी वर्ष मलमास है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन्हीं में से एक एकादशी होती है देव उठनी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी होती है। कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाते हैं और फिर चतुर्मास के समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उठनी उत्सव होता है। इस एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय व पूजन विधि। परंतु इससे पहले, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं देव उठनी एकादशी तिथि व शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 नवंबर 2023 रात्रि के 11:03 से हो रही है। वहीं इसका समापन 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 तक रहेगा। पूजा का समय सुबह के 6:50 से सुबह के 8:09 तक रहेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं देव उठनी एकादशी का पारण का समय। देव उठनी एकादशी का पारण 24 नवंबर 2023 को किया जाएगा। समय रहेगा 6:51 से सुबह के 8:57 तक। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पूजन विधि। इस दिन विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु जी को जगाने का आह्वान किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर साफ कपड़े पहनने चाहिए, फिर विष्णु जी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर घर के आंगन में विष्णु जी के चरणों का आकार बना ले। यदि आंगन में धूप हो तो चरणों को ढक देना चाहिए, फिर ओखली में गेरू से चित्र बनाएं और फल मिठाई ऋतुफल और गन्ना रखकर ढलिया को ढक दे। रात के समय घर के बाहर और जहाँ पूजा की जाती है वहाँ दिए जलाने चाहिए। पूजा के दौरान सुभाषित स्त्रोत पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का पाठ किया जाता है, साथ ही भजन भी गाए जाते हैं। आज ही के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। आज के दिन तुलसी, शालिग्राम तथा गणेश जी की भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन करने पर एक कन्या दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, और इसीलिए माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्या दान जरूर करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। मांगलिक कार्यों की दृष्टि से देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन से ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई आदि जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 माह कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, क्योंकि इन 4 माह भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन हमें कौन सा कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भूल कर भी चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े बनते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल न खाएं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।
यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।